जन आक्रोश यात्रा को लेकर आज बैराड़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की मीटिंग आयोजित। बैराड़ में आज कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के दर्जन नेता एवं कार्यकर्ता सहित कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय सिंह चौहान शामिल हुए। जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग का व्यक्ति पिछले 18 वर्षों से परेशान बना हुआ है, जिनकी सुनवाई भाजपा सरकार में नहीं हो रही है और भाजपा सरकार एक और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। प्रदेश में हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, जिनकी भावनाओं को लेकर कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 18 साल में जितने दिन होते हैं उतने दिन में प्रतिदिन एक घोटाला किया, उसकी लिस्ट हम आम जनता तक पहुंचा रहे। तो ये लिस्ट आपके द्वारा कब से विरोध की जा रही है? जिस दिन हमारी जन आक्रोश यात्रा 29 तारीख को आएगी, उस दिन हम ये घर घर ये पर्चा आम आदमी को ये घर घर दरवाजे दरवाजे पढ़वाएंगे, खुद पढ़ेंगे, पढ़वाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि इस घोटालेबाज 50% की कमीशन वाली सरकार को उखाड़ फेंके और पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए। धन्यवाद। माननीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है मुझे, नहीं किसी भी भाई को, तो हमारी योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है। क्योंकि आज जो भाजपा का अत्याचार हो रहा है, मजदूर वर्ग से लेकर ना व्यापारी तक, पूरा मजदूर वर्ग किसान वर्ग सब दुखी हैं। सबसे बड़ा घोटाला तो अभी युवाओं के साथ हुआ है, जो कि बेचारे किसान और मजदूर वर्ग और छोटे दुकानदार भाई कर्जे लेकर उनको पढ़ा रहे हैं और अच्छी परसेंटेज ला रहे हैं बच्चे, लेकिन पैसों का बटौना बांटकर 15-20 लाख रुपये में नौकरी दे रहे हैं और इन्हीं जनता के पैसे से जे अब आने वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ेंगे और जनता को खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार माननीय कमलनाथ जी और जनता जी जानती है कि हमें माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर कांग्रेस पार्टी मुझ पर प्रत्याशी के रूप में मनोनीत करती है या किसी को भी करती है, तो मेरा प्रथम दायित्व यही रहेगा कि जो इस 18-20 साल के अंदर जो आम जनता के पास जो घोटाले हुए हैं जितने, आप ये देखिए कि कितनी शर्म की बात है कि ये सरगुला डैम, जो कि अपन ये कह दें कि अपन पौरी बेल्ट के लिए जीवनदायी नहीं है, उसके लिए दो दो बार उद्घाटन हो गया। पीएम साहब द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा, इनके बाद उद्घाटन होने के बाद आज तक इससे 8 साल में मूर्त रूप में नहीं आ पाया है। तो ये कितना बड़ा धोखा दे रही है बीजेपी, पौरी की जनता को कितना ठग रहे हैं, बच्चों के भविष्य के संग कितना खिलवाड़ हो रहा है। आप ये देखिए, एक गरीब आदमी अपने बच्चे को ऐसे तैसे करके पढ़ाता है, पहले 10 साल व्यापम में पीछा रहा एक दशक, और अब वही चीज़ पटवारी घोटाले में आया है कि आम गरीब का बच्चा पढ़ने में होशियार है, वो गांव का व्यक्ति कैसे शहर भेज रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर आदमी 20-25 लाख रुपए में देके नौकरियां पैसे वालों के बेटों को दी जा रही हैं। अगर ये पौरी विधानसभा से अगर किसी प्रत्याशी को अगर टिकट का दावेदार अगर घोषित किया जाता है, तो क्या अन्य दावेदारों द्वारा क्या दल बदलने की कोशिश की जाएगी या कुछ मंथन भी जारी है उनमें? नहीं, देखिए, हम जितने भी हैं यहाँ, व्यक्तिगत सोच है कि हम कांग्रेस समर्थित हैं, ना कभी गए हैं ना कभी जाएंगे, और कांग्रेस एकजुट है। जितने भी सब लोग हैं हाथ के पंजे के लिए पूरी दम से काम करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा निकली, 18 साल में सबको तो चूस लिया, हर वर्ग परेशान है, फिर भी विकास की बात करते हैं, विकास नाम पे जीरो है, पूरा मध्य प्रदेश जीरो है, आशीर्वाद की बात करते हैं, हर आदमी को तो चूस लिया, काय का आशीर्वाद लेने आ रहे। उसके बदले में हमारी आम जनता जो 18 साल से पिस रही है, हर वर्ग पिस रहा है, मजदूर से लेकर व्यापारी तक, तो आज इस सरकार से परेशान है, शिवराज सिंह की सरकार से परेशान है, उसको लेकर हमारी कांग्रेस की एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सहयोग से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सहयोग से एक जन आम जन की भावना को देखते हुए जन आक्रोश यात्रा हम निकालने जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश के विधानसभा के मुखिया माननीय गोविंद सिंह जी कर रहे हैं, उनके साथ में हमारे तमाम प्रदेश कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। गुर्जर जी हैं, साथ में
सिर्फ भाटिया जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो इंचार्ज हमारे सह सचिव हैं वो भी साथ में हैं, हमारे जिले स्तर के सभी नेतागण हैं उस जन आक्रोश यात्रा में। तो पौरी विधानसभा से अभी किस कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट फाइनल हुआ अभी तो जानकारी? अभी प्रत्याशी का कोई भी चयन नहीं हुआ है, प्रत्याशी का चयन होने में अभी समय है और वो अधिकार जिला कांग्रेस का नहीं है, वो अधिकार प्रदेश कांग्रेस का है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का है। तो अभी कांग्रेस में क्या गुटबाजियों का दौर जारी है या सभी एकजुट होकर अभी अपना समर्थन दे रहे हैं? हमारा एक ही गुट है, कांग्रेस और कमलनाथ। हाथ का पंजा हमारा टिकट है। धन्यवाद।